हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सब इंस्पेक्टर का पेपर 2022। इस पेपर के अंदर जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सिलेबस है उसको डिस्कस किया जाएगा। 125 टोटल एमसीक्यूज होंगे, जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, एनालिटिकल रीजनिंग के रिलेटेड होंगे, और 25 जो एमसीक्यूज हैं वो पर्सनैलिटी के रिलेटेड होंगे। चलते हैं जी, 2022 में जो हमारे पास सब इंस्पेक्टर का पेपर आया, फर्स्ट एमसीक्यूज था जी द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे है। सेकंड एमसीक्यूज है रिएक्शन ऑन सन। सन के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं वो फिशन रिएक्शन है। थर्ड एमसीक्यूज है कैपिटल ऑफ गाना। गाना का जो कैपिटल है वो आकरा है। थर्ड एमसीक्यूज है करेंसी ऑफ ओमान, वो है जी रियाल। उसके बाद एमसीक्यूज है जी पिक्चर ऑन बैक ऑफ 1000 रुपी नोट। 1000 का जो नोट है उसके पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर की पिक्चर है। 5000 का जो नोट है उसके पीछे जो फैसल मस्जिद है उसकी पिक्चर है, और 500 नोट के पीछे बादशाही मस्जिद लाहौर की पिक्चर है। ये एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट होते हैं जी। ट्राइब ऑफ खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद का जो ट्राइब था वो बनू मखजूम है, मखजूम था। उसके बाद है जी सर सैयद रिटायर फ्रॉम सर्विसेज। 1876 के अंदर सर सैयद अपनी सर्विसेज से रिटायर हुए। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनम पूछा गया है जी इनकैपमेंट। इनकैपमेंट का मतलब होता है कैंपिंग करना, उसका जो सिनोनम है वो है कैंप साइट। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनम है जी वैलियंट। वैलियंट होता है जी बहादुर, तो इसका जो ऑपोजिट है वो है टिम्ड। टिम्ड मीन बुजदिल। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है आर्टिकल 19 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। जो 19 आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिटीज़न के राइट्स के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनम पूछा गया है नरेटेड। नरेटेड का मतलब होता है बयान करना, बताना, सो इसका सिनोनम है टोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्यूटर से एमसीक्यूज है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड ऑन। तो कंप्यूटर की मेमोरी सीपीयू में होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है क्वीन एलिजाबेथ डेट ऑफ डेथ। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है ये 8 सितंबर 2022 को ये वफात पा गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है जी। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज है होली प्रॉफिट डिड हाउ मैनी हज। ओनली एक हज किया होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने। नेक्स्ट हमारे पास है जी कुरान रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर। 23 ईयर्स के अंदर कुरान रिवील हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएन जनरल सेक्रेटरी टेन्योर। यूएन जनरल सेक्रेटरी का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी चांसलर ऑफ जर्मनी, वो उलाफ स्कोल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आयात इन सूरह हज। सूरह हज के अंदर 78 आयात्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पाकिस्तान स्टडी से, पाक अफेयर से एमसीक्यूज। अलाहाबाद एड्रेस बाय लामा इकबाल इन। अलाहाबाद एड्रेस लामा इकबाल ने 1930 में किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडी से है कि कौन से मैसेंजर जो थे वो अपनी स्टिक पे खड़े हुए जिनकी वफ़ात हो गई। विच द मैसेंजर हु डाइड वाइल स्टैंडिंग ऑन हिज स्टिक, वो थे हजरते सुलेमान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी एवरीडे साइंस का द डिजीज़ स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है उसे कंटेजियस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवरीडे साइंस का एमसीक्यूज इंटेस्टाइनल डिजीज़ जो है वो आपने बतानी है, तो कॉलरा जो है ये इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। नेक्स्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट से एमसीक्यूज है एफ एस के स्टैंड फॉर। एफ एस के मीन फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट हमारे पास है जी हु रिसेंटली क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट,
वो है जी समीना बेग। नेक्स्ट हमारे पास है K2 का जो सेकंड नाम है वो है गोडवी नास्टन। नेक्स्ट जी हमारे पास GK का MCQs, अल्जीरिया ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। नेक्स्ट हमारे पास है जी ईरान बॉर्डर विद पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लंबाई है 909 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी जनरल नॉलेज के MCQs, अटाबाद लेक जो है ये कहाँ पे है जी, हुंजा वैली के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास द कस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस, उसे पॉलीगैमी कहते हैं। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, उसे क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद है जी इन विच सूरा अल्लाह सेड होली प्रॉफिट इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वो सूरा अल-फतह है। उसके बाद है नेशनल एनिमल ऑफ पोलैंड, पोलैंड का नेशनल एनिमल वाइट ईगल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जी बनर्जी थे। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेड ऑफ CIA, वो विलियम जेम्स, विलियम जे हैं जी। उसके बाद हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उस वक्त का जो थे वो ख्वाजा साद रफीक थे, अभी चेंज हो चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है WHO फाउंडेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बनी। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट के MCQs है XTML, ये क्या है, ये एक्सटेंसिबल टेलीफोनी मार्क एप लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास है जी चेयरमैन ऑफ नैब, वो आफ्ताब सुल्तान थे, अब चेंज हो चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। बेनजीर वाज असैसिनेटेड इन विच सिटी, बेनजीर को रावलपिंडी में कत्ल किया गया। नेक्स्ट MCQs है पावर डिवीजन मिनिस्टर, उस वक्त खुर्रम दस्तगीर खान थे, अब चेंज हो चुके हैं, न्यू कैबिनेट में चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया फ्राम पाकिस्तान, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर थे, अब चेंज हो चुके हैं, ये भी चेक कर लें। नेक्स्ट है जी हु इज़ क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, वो है जी मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट है जी नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, वो जैस्मीन है। नेक्स्ट है जी नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, वो चकोर है। उसके बाद है जी गजवाए खंदक 5 आफ्टर हिजरी में हुई, 5 हिजरी के अंदर गजवाए खंदक हुई। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर स्टडी के MCQs है HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के MCQs है शी केयर अबाउट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है जी ईडियम इंग्लिश से अप टू वंस ईयर का क्या मतलब है, इसका मतलब है डीपली इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर स्टडी से MCQs है कोबोल, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ये यूज़ होती है कमर्शियल पर्पस के लिए, जो बिजनेस में आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्यूटर स्टडी के MCQ, सेलुलर मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ये 3G टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फास्टर देन लाइट, तो इसमें नन ऑफ दीज था। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर नेशनल असम्बली, उस वक्त राजा परवेज थे, अभी आपको पता है कि चेंज हो चुके हैं, सादक इजाज साहब हैं। उसके बाद है जी मीरपुर इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, एक बुक है ये रिटन की थी के अज़ीज़ ने। उसके बाद इनको हम के अज़ीज़ का नाम खुर्शीद कमाल है जी। उसके बाद है जी ब्रिज वर मोस्ट सॉरी ब्राइड्स वर मोस्ट यंग देन ग्रूम्स, तो ये इंग्लिश का MCQs है। उसके बाद है जी अब्दुल कदीर जिलानी कहाँ पे बरीड हैं, ये बगदाद के अंदर बरीड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल हकीम, ये किसका टाइटल था, ये अबू जहल का टाइटल था जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्यूटर स्टडी के MCQs, मोबाइल फ़ोन वेव्स में कौन सी वेव्स होती हैं जी, वो होती हैं जी रेडियो वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच टूर्नामेंट प्लेड इन क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट के अंदर फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद इसके रिलेटेड अगर कोई मटेरियल हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और खूब मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत आप करेंगे तो कुदरत आपको उतना ही नवाजेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।